हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि 3 फरवरी 2019 का है। इसको आप अंत तक देखें। और इससे पहले 2 फरवरी का मैं वीडियो किसी कारणवश नहीं ला पाया हूं और इस कारण से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो जो कि 3 फरवरी का है, इसमें आपको मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के मैक्सिमम जो इवेंट्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मध्य प्रदेश के मैं करंट अफेयर्स के जो वीडियो डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि सारे जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा करंट अफेयर्स के और अन्य स्टैटिक जीके के, जो कि मध्य प्रदेश व अन्य क्षेत्रों पर आधारित होंगे, तो उसके सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप इस तरीके से मेरे सारे करंट अफेयर्स और अन्य वीडियोस जो कि जीके के होंगे वो आप देख पाएंगे। इस समय मध्य प्रदेश में वर्ग एक की जो संविदा परीक्षा है, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं और उसमें मध्य प्रदेश के मैक्सिमम करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो भी पोर्शन है वो मैंने कवर कर दिया है। उसके सारे वीडियोस आपको मेरे इस वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के स्टैटिक, मध्य प्रदेश के सारे 52 जिलों का स्टैटिक जीके, जो कि मैंने अलग अलग हर ज़िले के ऊपर बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का संभाग के बारे में हो या फिर मध्य प्रदेश की जो भी करंट अफेयर्स है, वो माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का जितना भी स्टैटिक जीके है उसका सारा पोर्शन मैंने कवर कर दिया है, उनके सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। तो आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी पिछले ही पेपर में मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत क्वेश्चन बने, मध्य प्रदेश का जो नया जिला गठित हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन बना, निवाड़ी जिला, तो निवाड़ी जिले के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट या फिर मेरे डाउन लिंक में जो कि इस वीडियो के नीचे पड़े हैं वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें भी मैं मैक्सिमम लिंक मैंने डाल दिए हैं। तो मध्य प्रदेश का मैक्सिमम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स अभी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें आ रहे हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सारी वीडियोज़ जो कि मैंने बनाए हुए हैं वो आप वहाँ से आके पूरा का पूरा स्टैटिक जीके और मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो कि मैं अभी दे रहा हूँ वो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो स्टैटिक जीके है उसके पीडीएफ्स के लिंक्स भी आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का पीडीएफ है, जो पूरा एक बंच है, मध्य प्रदेश का इतिहास का पूरा बंच है और मध्य प्रदेश के भूगोल का पूरा बंच, जो कि मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये 3 फरवरी का करंट अफेयर्स, जो कि मध्य प्रदेश पर पूरा आधारित है। इससे पहले वो क्वेश्चंस जो कि मैंने 1 फरवरी के करंट अफेयर्स में, वो इससे पहले वो क्वेश्चन जो कि मैंने 1 फरवरी के जो करंट अफेयर्स बनाया था उसमें मैंने पूछा था, और उसमें मैंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में मूर्ति कला के लिए कौन सा स्थान, फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले में है फड़के स्टूडियो, तो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो 15वीं लोकसभा गठित हुई, जिसमें कि अभी चुनाव हुए, उस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में आई और उन्होंने सरकार बनाई, तो उसमें 15वीं विधानसभा में जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, ठीक है ना, सामयिक अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति की गई, तो वो कौन नियुक्त हुए। तो इसका सही उत्तर है ए, दीपक सक्सेना। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में दीपक सक्सेना जी को प्रोटम स्पीकर के पद पे नियुक्त किया गया है, और इनकी नियुक्ति कब हुई, 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2019 को इनकी नियुक्ति की गई प्रोटम स्पीकर के पद पर। और ये कहाँ के विधायक हैं, ये छिंदवाड़ा के विधायक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं, कौन है वो, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनको मध्य प्रदेश के कौन से मंडलों का अध्यक्ष बनाया गया है, कौन कौन से मंडल हैं इन पे अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर ये सारे ही हैं, ए, बी और सी, इन सभी जो मंडल हैं इन सभी का अध्यक्ष बनाया गया है। पहला मंडल कौन सा है, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल मध्य प्रदेश भवन का, इनका भी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा है श्रम ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, इसका भी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, इसका भी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ में एक और मंडल है जिसका कि साथ में इनकी इसमें अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से
चार जो मंडल हैं उनके, इनको अभी अभी इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष पद पे, जो कि श्रम मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश सरकार में। तो इनको इन चार मंडलों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो अन्य चौथा मंडल है वो कौन सा है, वो है स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल। स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, तो इसका भी इनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुल चारों का, इन चारों का अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष पद के लिए, जो कि 2 जनवरी 2019 को इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष पद के लिए। तो ये चारों मंडल के ये अध्यक्ष होंगे अब, जो कि श्रम मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मध्य प्रदेश सरकार में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को कब से साप्ताहिक अवकाश देना प्रारंभ किया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो उनके पुलिस कर्मी हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने अभी साप्ताहिक अवकाश देने प्रारंभ किया है, तो वो किस दिनांक से चालू हुआ। तो उसका जो सही उत्तर होगा बी, 3 जनवरी 2019 से मध्य प्रदेश के जो नई सरकार बनी कमलनाथ सरकार, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मी हैं उनको साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। तो इसका जो दिन प्रारंभ हुआ है वो है 3 जनवरी 2019 से ये प्रारंभ कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार, मालवा अखबार जो कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी आपका अखबार था, ये इंदौर में कब प्रकाशित किया गया। तो इसका सही उत्तर सी है, 1848 में ये मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार है हिंदी अखबार मालवा अखबार ये प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ जो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उसमें अपने टीम के साथ में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया। तो इसका सही उत्तर है डी, कुमारी इसिका मुकाती। इन्होंने अपनी टीम के साथ में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और ये आयोजन बैंकॉक में अखिल भारतीय लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 26 देशों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, और जिसमें कि भारत को का पहला स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। तो यहाँ पर भारत की टीम के साथ में इनको गोल्ड मेडल मिला, और जो कि कुमारी इसिका मुकाती को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नवीन दतिया नगर तहसील का जो कार्य है वो कब प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को नवीन दतिया जो तहसील बनाई गई है उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और दतिया में अब दो तहसील हो गई हैं, एक तो दतिया शहरी और दतिया ग्रामीण तहसील, इस तरीके से दो तहसील बनी हैं। और ये इसका शुभारंभ किसने किया, इसका शुभारंभ किया आरपीएस जैन जादौन, जो कि वहाँ की कलेक्टर हैं, इसका शुभारंभ किया, जो कि 1 जनवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया वहाँ के जो कलेक्टर आरपीएस जादौन, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एपी सिंह, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आर परशुराम। ये अभी हाल ही में इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त थे ये, और वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद इनको अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है वहाँ का महानिदेशक बनाया गया, ठीक है ना। तो इससे पहले ये कौन थे, इससे पहले ये कहाँ पर आयुक्त थे, ये थे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त में ये कार्य करते थे, और वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद इनको यहाँ पर महानिदेशक का पदभार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन है वो जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल पार किया है, और वो एशिया के पहले दिव्यांग तैरांग बन गए। दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड हैं वो, और वो एशिया के पहले ऐसे तैराक बन गए हैं, तो वो कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सत्येंद्र लोहिया। ये एशिया के पहले दिव्यांग इंग्लिश चैनल जो इंग्लिश चैनल है वो पार करने वाले पहले तैराक बन गए हैं, और ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के निवासी हैं।
ग्वालियर जिले में रहते हैं, ये वहाँ के निवासी हैं और इन्होंने एशिया का के ये पहले दिव्यांग हैं जो कि इंग्लिश चैनल इन्होंने पार किया है। और इन्होंने ये चैनल पार करने में कितना समय लगाया? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट में इन्होंने ये चैनल पार किया। और ये एशिया के पहले हैंडीकैप्ड तैराक हैं जो कि इन्होंने ये पार किया है चैनल, इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री सुंदी रंजन मोहंती, SR मोहंती। ठीक है ना, इनको SR मोहंती जी को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कब हुई? 1 जनवरी 2019 को इनको नियुक्त किया गया। और ये 1982 की बैच के IAS अधिकारी हैं ये। और इससे पहले ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे, उसके बाद में इनको वहाँ से शिफ्ट करके इनको मध्य प्रदेश शासन का मुख्य सचिव बनाया गया है। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, SR मोहंती जी हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का पहला विनिर्मित स्वचलित निरीक्षण कार होती है वो मध्य प्रदेश के किस रेल मंडल को मिला है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भोपाल। भोपाल मंडल को ये अभी हाल ही में ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा ये बनाया गया है जो कि पहला विनिर्मित स्वचलित कार निरीक्षण कार है ये, यानी कि निरीक्षण करने वाली ये कार है जो कि मध्य प्रदेश के कौन से रेल मंडल को मिला है? भोपाल रेल मंडल को मिला है। और ये 31 दिसंबर 2018 को ये दिया गया। और ये मध्य प्रदेश और ये केंद्र सरकार का जो मेक इन इंडिया अभियान चल रहा था उसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा ये पहला विनिर्मित स्वचलित निरीक्षण कार बनाई गई है जो कि भोपाल मंडल को दी गई है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए YAI जूनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य के वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग एकेडमी ने के खिलाड़ी हैं उन्होंने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9 पदक। ठीक है ना, 9 पदक इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में नगरीय अपशिष्ट यानी कि वो कचरा प्रबंधन कार्य योजना के तहत जमा बायो कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया जा रहा है? जो नगर में नगरीय अपशिष्ट जो निकलता है, कचरा निकलता है, उसकी प्रबंधन कार्य योजना के तहत में ये जो बायो कचरे का खाद बनाने का संयंत्र है ये कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये संयंत्र लगाया जा रहा है। और इसके लिए हुडको ने 11 करोड़ 77 लाख की राशि स्वीकृत की है। और इस योजना में इतने पैसे ख़त्म किए जाएंगे जो कि यहाँ पर ये संयंत्र लगाया जाएगा जिसमें कि जो कि कचरा निकलता है वहाँ पर उस कचरे का पूरा बायो कचरे में कन्वर्ट किया जाएगा और बायो कचरा मतलब जैविक खाद यहाँ से बनाया जाएगा। ठीक है ना, बायो कचरे से खाद बनाने का ये संयंत्र है यहाँ पर कि ये खाद बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संबंधी मामले का निराकरण करने के लिए पृथक न्यायालय गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जो कि पूरे भारतवर्ष में जिसने कि वक्फ संबंधी जो मामले हैं उसका निराकरण करने के लिए अलग से न्यायालय का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शासकीय देवस्थानों की चल अचल संपत्तियों का संरक्षण संधारण एवं विकास के लिए कौन सा कोष बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देवस्थान कोष। ये कोष बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश के शासकीय देवस्थानों की जो चल अचल संपत्तियों का संरक्षण करना है और संधारण करना एवं उसके विकास के लिए ये कोष बनाया जाएगा और जिसका नाम रखा गया है देवस्थान कोष। और इसका निर्णय किसने लिया? मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं अभी धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के जो मंत्री हैं कौन है? PC शर्मा जो कैबिनेट में हैं उन्होंने इसका निर्णय लिया 19 जनवरी 2019 को इन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने ये देवस्थान कोष बनाने का ये निर्णय लिया है। और इसी के साथ साथ में उन्होंने जो नदियां हैं ठीक है ना उनको सजीव इकाई बनाने के लिए जो
जो भी अधिनियम लाया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा, और साथ में जो पुजारी हैं उनका मानदेय को 5 गुना तक वृद्धि करने का भी विचार चल रहा है, ठीक है ना। तो इस पर ये निर्णय लिया गया, जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, जो कि पीसी शर्मा जी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जन परिषद संस्थान की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश जन परिषद की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और ये आयोजन कब हुआ? ये आयोजन हुआ 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में, और इसमें जनसंपर्क एवं विधि एवं विधायक मंत्री जो हैं पीसी शर्मा जी, ठीक है ना, इनके पास में धार्मिक न्यास मंत्रालय भी है और साथ में विधि मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में है मध्य प्रदेश सरकार में पीसी शर्मा जी। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मध्य प्रदेश का नया कैबिनेट का गठन हुआ है और उसमें 28 नए मंत्री जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, इस तरीके से टोटल 29 मंत्री बने हैं, तो उनकी सभी के कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है मध्य प्रदेश के नए कैबिनेट का गठन, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको भी पूरा देख लें, क्योंकि अभी जो TGT के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश TGT वर्ग 1 के और वर्ग 2 के होंगे उसके बाद में, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस बन आ रहे हैं। अभी 5 क्वेश्चंस लगातार आए उसमें कैबिनेट्स जो नया गठित हुआ है उसमें से मंत्रियों के नाम भी पूछे गए हैं, तो आप वहाँ से वो पूरा वीडियो देख के वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधिपति हैं वो कौन है? तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, श्री संजय कुमार सेठ। ये मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है जबलपुर में है उसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 14 दिसंबर 2018 को इनको नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश की जो महामहिम राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इनको नियुक्त किया है, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के अलावा किन दो और राज्यों को जोड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों राज्यों को भी ये जोड़ेगा मध्य प्रदेश के अलावा, और इसका नाम क्या है? चंबल एक्सप्रेसवे। और ये चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 8-लेन एक्सप्रेस है। ये पूरी की पूरी 8-लेन होगी, और ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित की गई है, और ये मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी ये जोड़ेगा, और ये राजमार्ग मध्य प्रदेश के शिवपुर के जो कस्बे हैं वहाँ से होकर निकलेगा, जो कि चंबल नदी के किनारे पर हैं, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के इटावा को भी ये जोड़ेगा, और साथ ही साथ मुरैना के जो शामपुर हैं, अटेर हैं, गोहद है, ये भी इसमें शामिल होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो 8-लेन एक्सप्रेसवे है ये मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुर और उत्तर प्रदेश के इटावा और चंबल नदी के आसपास से होकर गुजरेगा, और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ 185 किलोमीटर का जो राजमार्ग है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का वहाँ से भी जोड़ते हुए जाएगा ये। तो ये इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, चंबल एक्सप्रेसवे, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी जोड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, और इसी के साथ में मैं अपने अगले वीडियोज़ के बारे में भी जानकारी दूंगा, और इस वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध आवास स्थल किस जिले में पाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गिद्ध के निवास के ज़्यादा स्थल पाए गए, और ये 12 जनवरी को जो कि पूरे प्रदेश भर में इसकी गणना की गई थी कि गिद्ध कितने कहाँ कहाँ पर हैं और उसके स्थल कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो उसमें ये सर्वे में पाया गया कि मध्य प्रदेश के 33 जिलों में 800, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो 33 जिले हैं उसमें 886 जो ऐसे स्थान चिन्हित किए गए यहाँ पे कि गिद्ध का निवास स्थल पाया गया, और जिसमें कि सबसे अधिक छिंदवाड़ा ज़िले में पाया गया। छिंदवाड़ा ज़िले में कितने? 94 ऐसे स्थल पाए गए यहाँ पे कि गिद्धों का निवास है। और इसी के साथ में जो दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश में जिसमें कि सबसे अधिक गिद्ध के स्थान पाए गए, गिद्ध रहने के स्थल पाए गए, वो थे रायसेन। रायसेन जिला है जिसमें कि सेकंड नंबर पर रहा ये, पहले नंबर पर रहा छिंदवाड़ा, यहाँ पे कि 94
94 स्थल पाए गए यहाँ पे कि गिद्ध पाए गए, उसके बाद में दूसरे नंबर पर रायसेन है यहाँ पे कि अधिकतम गिद्ध के स्थान पाए गए यहाँ पे कि गिद्ध निवास करते हैं। और इसकी जो पृथ्वी भर में जो गणना की गई है वो कब की गई थी, 12 जनवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना है, 12 जनवरी को इसकी पूरे मध्य प्रदेश में गणना की गई। हाल ही में मांडू उत्सव का आयोजन कब किया गया, मांडू या मांडव, ठीक है ना, दोनों नाम से पुकारते हैं इनको, तो इसका उत्सव का आयोजन कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 से लेके 29 दिसंबर 2018 तक मांडव उत्सव का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। और मांडू को जॉय ऑफ जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इन इसको जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मांडव, जो कि किस जिले में है, धार जिले में है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश का धार जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, या आप मेरे को कमेंट कर बताएं। मांडू जो कि इतिहास में रानी रूपमती और बहादुर शाह है उनकी ये प्रेरणा स्थली रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस इतिहास के ऊपर पूछ लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और मांडू में जो किले हैं, ठीक है ना, धार में मांडू जो कि धार में स्थित है, तो धार में जो किले हैं वो किलों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी इन सभी जो कि दिल्ली सल्तनत से थे, उन्होंने यहाँ पर निर्माण करवाया। और रानी रूपमती और बहादुर शाह की ये प्रेरणा स्थली रही है। आखिरी में क्विज क्वेश्चंस इस करंट अफेयर्स का, तो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताएं, महाकवि कालिदास किसके शासनकाल में थे, ठीक है ना, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि महाकवि कालिदास किसके शासनकाल में ये मध्य प्रदेश में थे, और ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स 3 फरवरी का, आपको ये कैसा लगा, पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य लोग भी मध्य प्रदेश का ये करंट अफेयर्स का ये वाला वीडियो देख पाएँ। और आपको अगर मेरे चैनल को अच्छा लग रहा है और आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। और उसके लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक करने से जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप इसी तरीके से मेरे सारे वीडियोस समय पर देख पाएंगे, जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे, जो कि पूरे मध्य प्रदेश पर आधारित हैं। और मैं मध्य प्रदेश के सारे वीडियोज़ ला चुका हूँ मैक्सिमम, जिसकी की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आप वहाँ से पूरे वीडियो देख सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके हो या फिर अन्य करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हो, वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो जो कि करंट अफेयर्स का होगा अगले दिन जरूर लाऊंगा, आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें और मेरे सारे वीडियोज़ इसी तरीके से देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।